कुछ देर बाद मामला शांत हो गया और तभी आरव ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि इन सबको पीटने के बाद तुम लोगों को भूख तो नहीं लगी है क्या? ये सुनते ही शशांक और कबीर दोनों को हंसी आ गई। फिर उन सबने मिलकर खाने का प्लान बनाया। रेस्टोरेंट पहुंचते ही उन सब ने अपनी टेबल चुनी और खाना शुरू कर दिया। वो सब लोग बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी एक साथी ने कबीर से कहा, अरे कबीर भाई, तुम्हें यहाँ भाभी जी को भी लाना चाहिए था। ये बात सुनकर कबीर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, उसे इस तरह की जगह पर आना अच्छा नहीं लगता, इतनी भीड़ उसे पसंद नहीं है। तभी किसी ने कबीर से पूछा, यार आखिर तूने जेनिफर जैसी लड़की को पटाया कैसे? हाँ जरा हमें भी अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना। ये सवाल मुझसे हर इंसान पूछता है, लेकिन आज तक मैं क्या जवाब दूं मुझे समझ नहीं आया। शायद ये चीजें सिर्फ इंसान के हाथों में नहीं होती, सब कुछ ऊपर से ही लिख कर आया होता है। कबीर ने अपना खाना खाते हुए जवाब दिया, अरे ये फालतू की बकवास मत करो यार, बताओ ना। तभी कबीर ने अपना सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग भी समझ चुके थे कि कबीर इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। कबीर यार, मैं तो कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी दिल्ली वापस मत जाओ, कुछ दिन यहीं बिताओ ना हमारे साथ, कबीर के एक साथी ने बात बदलते हुए कहा। कबीर को यह बात काफी पसंद आई और उसने जवाब दिया, प्लान सुनने में तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर कोई भी मुझे लड़कियों से मिलवाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई यार, अगर हम लोगों के पास तुम्हारी बीवी जैसी बीवी होती ना, तो फिर हम भी किसी और लड़की पर नजर नहीं रखते। इतनी सुंदर बीवी होने के बाद कोई पागल ही होगा जो घर से ज्यादा बाहर समय बिताना चाहेगा। वो सारे लड़के बैठकर इसी तरह मजाक मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद कबीर अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। वॉशरूम में पहुंचते ही कबीर की सुपर हियरिंग की वजह से उसे दीवार की दूसरी तरफ वाले विमेन वॉशरूम की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कबीर ने वहां पर दो औरतों की आवाज सुनी, प्रीति ये निपुण सिंह बहुत ही कमीना इंसान निकला, तुमने देखा था ना कि वो मेरी तरफ कैसी नजरों से देख रहा था। जब वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है ना, तब हर समय मुझे वो हाथ लगाने के बहाने ढूंढता रहता है। मुझसे तो ये सब और सहा नहीं जाता, मेरी बात मानो तो यहां से चलते हैं। मुझे वैसे भी उसकी फिल्म करने का कोई शौक नहीं है। टीना यार, तुम्हें तो पता है ना कि तुम कोई जेनिफर बिल्डर थोड़ी हो। अगर तुम ऐसा कोई भी काम करोगी तो उन लोगों को लगेगा कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझने लगी हो। अगर तुमने गलती से भी निपुण की बात नहीं मानी ना, या फिर उसका सच उजागर कर दिया ना, फिर वो तुम्हें फिल्मी दुनिया से बाहर निकलवा कर फेंक देगा, समझे तुम। कबीर पहले तो उन दोनों लड़कियों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक लड़की की आवाज जानी पहचानी सी लगी। और फिर जैसे ही कबीर ने अपने बीवी का नाम सुना, उसी समय वो समझ गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कबीर के आर्मी बेस पर शूट होने वाले शो की पार्टिसिपेंट टीना बजाज थी। कबीर सारी बातें सुनकर वापस अपनी टेबल पर आ गया। जैसे ही कबीर उस टेबल पर वापस आया, वैसे ही आरव ने कबीर से कहा, कबीर यार मैं सोच रहा था कि हमें अपना क्लब और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्या कहते हो? बढ़ाने से तुम्हारा क्या मतलब है आरव? कबीर ने पूछा। आरव ने तुरंत कबीर का ग्लास शराब से भरना शुरू कर दिया और आगे कहा, यार मैं सोच रहा था कि हम इसे एक ऐसा क्लब बनाए जहां पर हमारे देश की आर्मी का कोई भी इंसान आ सकता हो, उसे बस एक छोटी सी मेंबरशिप फीस पे करनी होगी और फिर वो हमारे ये एक साथी बन जाएगा। क्लब सिर्फ फौजियों को ही नहीं बल्कि उन फौजियों के घर वालों को भी मेंबर बनाएगा जिन्होंने अपनी जान देश के लिए गवाई है, और अगर ये चीज अच्छी चल जाएगी ना तो हम उन फौजियों के घर वालों की काफी मदद कर सकते हैं, बोलो क्या कहते हो? कबीर को यह सुझाव काफी पसंद आया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, आइडिया तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो फिर तुम चेयरमैन बनोगे इस क्लब के? अगर आरव कबीर से सवाल तब पूछता जब उनका ये क्लब सिर्फ ऐश करने के लिए इस्तेमाल होता था, तब कबीर पक्का इनकार कर देता, लेकिन आरव का सुझाव कबीर को काफी पसंद आया था, इसीलिए उसने खुशी खुशी उसकी बात मान ली।
कबीर के हामी भरते वो सारे लड़के काफी खुश हो गए और उन्होंने अपने ग्लास को हवा में उठाकर कहा, कबीर भाई की पॉपुलैरिटी इतनी है कि हमें अपने क्लब की प्रमोशन भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा तो ये सब तुम लोगों का जाल था हुँ? कबीर ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम जब यहाँ से जुड़ जाएगा ना तो यहाँ कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। शशांक ने कहा। कुछ देर बाद सबने अपनी ग्लास ऊपर की और चीयर्स किया। बस तभी अचानक से एक दरवाजा खुला और वहां से एक भारी तोंद वाला आदमी बाहर आया। जैसे वो आदमी वहां से बाहर आया वैसे ही उसने नशे की हालत में एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उस लड़की ने गुस्सा करते हुए अपने हाथ को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश की और कहा, निपुण सर जरा होश संभालिए, आपने काफी ज्यादा पी ली है। अरे तो क्या हुआ, होश में रहने का फायदा ही किसको हुआ है आज तक। अगर मैं इस समय होश में होता तो तुम्हारे साथ मजे कैसे करता। निपुण ने जवाब दिया और इतना कहते ही वो उस लड़की को जबरदस्ती कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगा। आरव और बाकी के लोग ये सब देखकर काफी गुस्से में आ चुके थे। कबीर ने जैसे ही देखा कि वो लड़की टीना बजाज ही है, उसका पारा हाई हो गया। टीना बजाज जेनिफर की कंपनी की एक और उभरती हुई सितारा थी। पहले तो कबीर इस मसले में अपनी टांग अड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि टीना के साथ कुछ गलत होने वाला है, उसने कुछ करने का फैसला किया। कबीर काफी गुस्से में आ चुका था। उसने अपने सामने पड़ी हुई शराब की बोतल उठाई और सीधा निपुण के सिर पर दे मारी। ये देखकर टीना बजाज का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया और वो चिल्लाने लगी। निपुण सिंह ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और वो सीधा नीचे गिर गया। निपुण का सिर घूमने लगा था और जैसे ही उसने देखा कि उसकी ये हालत कबीर ने की है, वैसे ही उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, साले तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत। निपुण ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि इतने में उसके सिर पर एक दूसरी बोतल आकर लग गई। इस बार की बोतल आरव ने मारी थी। निपुण सिंह तुरंत दर्द में चिल्लाने लगा और ये देखते ही उसके साथी वहां पर पहुंच गए। उसके साथियों में आदमी और औरत दोनों ही थे और उन सब ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जिससे साफ नजर आ रहा था कि वो यहाँ मारपीट करने तो कतई नहीं आए थे। उन लोगों ने जैसे ही देखा कि निपुण सिंह के सिर से खून निकल रहा है, वैसे ही उनकी हवाइयां उड़ गईं। उन लोगों ने तुरंत निपुण सिंह की मदद करने की शुरुआत कर दी। निपुण के साथियों ने जब देखा कि कबीर और कबीर के दोस्तों की उम्र ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम बच्चों को क्या लगता है कि तुम किसी पर भी हाथ उठा सकते हो? ये सुनकर आरव को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुम लोग भी चुपचाप यहां से नहीं निकले ना तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। आजकल के बच्चे, इन लोगों को तो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी आती ही नहीं है, निपुण सिंह के एक साथी ने कहा। लेकिन जैसे उसने अपनी बात खत्म की, वैसे ही शशांक ने अपने सामने रखी एक कांच की बोतल को दीवार पर दे मारा। तुम लोग यहां से जाते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगे, समझे तुम? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया। उस आदमी ने अरमानी सूट पहना हुआ था और उसके हाथों में करोड़ों की घड़ी चमक रही थी। उस आदमी ने तुरंत एक वेटर से चिल्लाते हुए तभी कहा, तुरंत अपने मालिक को यहां बुलाओ। जैसे ही वो वेटर ने देखा कि वहां चल क्या रहा है, वैसे ही वो अपने मालिक को बुलाने चला गया। जैसे ही उस जगह का मैनेजर वहां पर आया, वैसे ही निपुण सिंह के साथियों ने कहा, हमने तुमसे तुम्हारे मालिक को बुलाने के लिए कहा था, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? मैनेजर ने काफी शांति से उसका जवाब देते हुए कहा, सर आप चिंता मत करिए, आपकी कोई भी परेशानी है आप